हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड टू ऑल माय वंडरफुल स्टूडेंट्स. गाइस, टुडेज क्वेश्चन आई हैव टेकन अप फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ये सवाल है और सवाल ये है कि द नेचर ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट इज, नेचर क्या है वेजरिंग अग्रीमेंट का, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वेजरिंग अग्रीमेंट का. बात को समझ रहे हैं आप? आज के डेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीएल में इतना सट्टा लग रहा है, बहुत सारे मैचेस में इतना सट्टा लग रहा है. अगर आप देखो, पूरे बिहार की मैं बात ही नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर स्कूल का, कॉलेज का मेजॉरिटी लोग जो है वो सट्टा खेल रहा है. वो सट्टा खेल रहा है क्योंकि सट्टा में उसको आसानी से पैसा वो बना ले रहा है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस सट्टा को वॉइड बोला गया है कि सट्टा का कोई वैल्यू नहीं है. द नेचर ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट इज वॉइड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इसका मतलब यह है कि नो सूट शैल बी ब्रॉट ऑन एनीथिंग अलेज्ड टू बी वन ऑन वेजर. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आदमी सट्टेबाजी में 1 करोड़ रुपया जीतता है या 1 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी जीतता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, माना जाएगा कि वो निरर्थक है. जनरली लोग इसके लिए गोली मार देते हैं कि हम जीत गए, तुम हमको कैसे पैसे नहीं दोगे. वो ऐसे मान करके चलते हैं जैसे ये उनका अधिकार है. बट लॉ क्या कहता है, सेक्शन 30, याद रखना, डायरेक्ट सवाल कभी कभी सेक्शन से भी आता है. सेक्शन 30 डिफाइंस वेजरिंग अग्रीमेंट. वेजर को पूरा सेक्शन 30 डिफाइन करता है और सेक्शन 30 साफ साफ कहता है कि ये वॉइड है. इसकी कोई, वॉइड का मतलब क्या है, जीरो, नल, नलिटी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ इसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है. चाहे आप 1 रुपया जीते, चाहे 1 अरब जीत ले, 1 करोड़ जीत ले, 100 करोड़ जीत ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, वॉइड नेचर का मतलब यही है. इलीगल, वॉइडेबल, वैलिड तो सोचना ही नहीं, वैलिड तो सोचना ही नहीं. बेयर एक्ट साफ साफ बोल रहा है कि ये वॉइड है, और वैलिड तो मतलब कि एकदम सब कुछ सही है. ठीक है, वॉइडेबल और इलीगल की भी बात नहीं है. वॉइड है तो यहीं पर इलीगल है. इलीगल हो कोई भी चीज़, वो वॉइड हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ वॉइड है वो चीज़ तो अपने आप इलीगल है, है ना. सम इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, सम इलीगल अग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर इलीगल. बात समझ रहे हो आप? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये वॉइड है. और कोई भी चीज़, कोई कितना भी जीतेगा तो उसको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसके लिए वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता है. अगर कोर्ट में केस करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, उसकी कोई एफिकेसी नहीं होगी. बात समझ रहे हैं आप? कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ क्या होता है, जब हमारे साथ गलत होता है तो हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर के हम अपने राइट्स को रिकवर करने की बात करते हैं, राइट्स को रिस्टोर करने की बात करते हैं. लेकिन यहाँ पर आप जा रहे हो कि 1 करोड़ हम जीते हैं इस राइट, और हमको पैसा नहीं दे रहा है. सट्टा खेले थे, 1 करोड़ जीते थे, हमको पैसा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट आपके राइट को बोलेगी कि इस राइट को तो हम लोग रिकग्नाइज करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, इनफैक्ट हो सकता है तुम जेल भी चले जाओ. राइट, तो वेजरिंग अग्रीमेंट में यही है. सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आई होप दैट आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. एंड आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें बताइए, और उस टॉपिक पर हम लोग इजी लैंग्वेज में वीडियो बना करके आपको देंगे. और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, देन डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय श्री राम.